तो स्वागत है जी आप सभी का मेरी को नई वीडियो में। मेरा नाम मनदीप और हैरो अपन ने जो लगा लिया था और इसको अपन ने सिंगल कर दिया इस खेत को और डबल अप कर रहे करने जा रहे हैं, क्योंकि अपन इसमें जो बुआई कर रहे हैं वो धनिए की। अभी अपना जो है आधे खेत में धनिया बो देंगे और आधा बोएंगे लगभग 15 दिन बाद जब वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद। तो अभी जो अपन इसको डबल करते हैं उस साइड से और शाम होने वाली है, होएगी बल्कि। और आज है अपने यहाँ दाल टिक्कर का प्रोग्राम जो वहाँ पे चल रहा है, वो अपना अलग बना रहे हैं दाल टिक्कर का, बस इसको खाने आएंगे। तो मिलते हैं, ये अपन जो ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और इसको डबल करते हैं। और सुबह से चला रहे थे अपन पांच, तो पांच चला करके जो अपन ने काफ़ी जो है जुताई कर दी। और कल भी अपन जो पांच लगाएंगे हैरो, बस अपने इसी के लिए लगाया था। और इस थ्रेसर को जो अपन को उठा कर रखना है वहाँ उसकी जगह पे। देखिए आज जो सुबह से लगभग 7 बजे से 7 बजे से बराबर ट्रैक्टर चल रहा है और जस्ट मैं अभी उतरा हूँ वीडियो बनाने के लिए। और ट्रैक्टर देखिए साफ करके लाए थे, क्या कंडीशन हो गई देखिए, कंडीशन तो हमारी साथ बुरी है। ये है कुछ, और पांच चला रहे अपन सभी खेतों में। यहाँ से देखिए आप, ये हो गया, ये हो गया, उसके नीचे, उसके ऊपर, और भी उधर गेहूँ वगैरह के हैं। अभी इस साइड की पट्टी जो आपको दिख रही है ना, वो पूरा जो ब्रेक बड़ा खेत है 9-10 बीघे का, वो अभी नहीं हुआ है और उसके ऊपर भी नहीं हुआ है। मतलब अभी इसी साइड अपन जो कर रहे हैं, कल किया तो सर घर के पास में, तो ऐसा कुछ जो है अपना काम चल रहा। अभी यहाँ पे दो छोटे छोटे टूक रह गए हैं, एक ये वाला जिसमें खड़े अभी और एक एक उसके ऊपर वाला, ये दो रह गए बस मात्र। और डीजल भी कम हो गया, डीजल खाते हैं, ये डीएल का है। हाँ ये रेड पे ही आ गया, ये वाला, ये तो भी रेड पे चल रहा है। और ऐसा कुछ है, और कल अपन ने जो है हैरो चलाई थी तो डबल कर दिया था वाला खेत, वो था धने का। तो अभी अपना स्कॉट चल रहा है उसमें, जो पारी डालते हैं ना उसमें, तो पारी डाल लेगा, स्कॉट चल रहा होगा वहाँ पे, पाई डालना उसमें। उसके बाद फिर धने का छिड़काव विधि द्वारा जो है अपन उस पर फेंकेंगे और उसके ऊपर जो है पानी लगा देंगे और फिर पूरा धना जो है वो उग जाएगा। तो हॉलैंड तो भाई हॉलैंड ये बहुत काफ़ी मस्त चल रहा है, इसमें शक नहीं है। और माइलेज भी काफ़ी जो अच्छा दे रहा है पाँच पे, और बहुत टाइट खेती है, पानी बारिश नहीं हुई है अभी साल। ये पूरी चने की खेती है, ये भी चने की है, काली मिट्टी होती वो है, ऐसा नहीं है कि इसमें एवरेज अच्छा आएगा या कुछ आएगा। और ये देखिए आप ब्लेड, ये ब्लेड है, ये लगभग 50 बीघे में उतर जाएगी अभी। तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है, काम जो है जोर शोर से। आप देखिए वहाँ पे आग वगैरह लग रही है ना, वहाँ पे आग वगैरह लगाई जा रही है, देखिए वो देख सामने वो सफाई की जा रही है, क्योंकि ट्रैक्टर जाता है ना, छतरी वगैरह अड़ती है। और भी है मतलब जैसे इसको तो अपन ये पाँच से निकालेंगे, ये जरेना वगैरह है वो, लेकिन वहाँ पे क्या बड़े बड़े और जो भी कचरों का ढेर है सारे आज मेड़ वगैरह साफ की जा रही है। देखिए आँच लगी ना मेड़ पे, ऐसे वहाँ पूरी, और अपन पीछे जो है ट्रैक्टर ले जाएंगे, आँच लगती जाएगी, खेत साफ होता जाएगा, अपन ट्रैक्टर जो है फिराते जाएंगे, ये अपना सिस्टम रहेगा। और अभी जो है हम सोच रहे हैं ये निकाल दें या डीएल ले आएँ, क्योंकि ये दो टूक रह गए हैं लगभग 2-3 बीघे है, 3 बीघे का है। तो देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ निकाल दूं इनको, उसी के बाद घर पे जाऊं। और भाई अभी चलते हैं अपन जो थोड़ा इसको निकाल करके, उसके बाद जाएंगे अपन डीएल डलाने के लिए। तो ट्रैक्टर को ले जाएंगे साथ में, कैन है उसको रख ले जाएंगे, तो अपना जो है 40-70-80 लीटर लगभग आ जाता है डीएल दोनों में, ट्रैक्टर और कैन में मिला के 80 लीटर डीएल काफ़ी हो जाएगा 2-3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो भाई वो वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। और ये है अपना 16+4
अपन जो है थोड़ा जब चारों कोनों पे लेते हैं तब उसको स्प्लिटर को लो में लगा देते हैं, T20 गियर को लगा लेते हैं इस लो में, और ये फर्स्ट का चल ही रहा है हाई, और वैसे अपन नॉर्मली जो है उसको हाई में लगा रहते थे, काफ़ी अच्छी पास खींच रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और माइलेज जो है मैंने इसमें भराया था 40 सीटर, रेड तक आने इस वक्त रेड पे आया ही था, अभी रेड पे जो है आया नहीं है, थोड़ा ऊपर ही है, और जब रेड पे आ जाएगा वही सुचरा में रेड पे आ जाएगा वैसे पर इसको देखेंगे कि पास पे जो है कितने बीघा, एक 40 चार वो सॉरी 4000 के डीएल में जो है कितना निकाल रहा है, 4000 का डीएल जो है 93 चल रहा है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो अभी चलते हैं इसको देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।